सो हेलो, कैसे हो तुम लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। तो हमारे इंटरनेट पे बहुत सारे मिथ्स की वीडियो है जो कि भाई दिमाग हिला देती है, जैसे कि हाथ पे आग लगाना, बाल पे च्युइंगम चिपकाना, एलिफेंट टूथपेस्ट, रबर बैंड से वाटरमेलन फोड़ना, आलू से इलेक्ट्रिसिटी निकालना। ये सारे मिथ्स को हम लोग ट्राई करने वाले और देखने वाले कि ये मिथ्स वर्क करते हैं कि नहीं। और आज का लाइक टारगेट है पूरे 30,000 लाइक्स, वो भी 24 घंटे के अंदर। तो करवा दो, एक क्लिक ही तो करना है। लेट्स गो। फेंटा के अंदर हम लोग कॉलगेट को डालते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। ऐसा मैं नहीं, ये यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, पर हमें ट्राई करना है। क्या ये सच में काम करता है या ये फेक है? तो यहाँ पे हमारे पास फेंटा, असली फेंटा, और यहाँ पर है दांत घसने वाला कोलगेट। तो अब इसके अंदर डालते हैं कोलगेट को। बस भाई बस, और कितना डालेगा, बस कर। और अभी हम लोग देखने वाले क्या इसका कलर चेंज होता है या इसके बाद ये फालूदा बन जाएगा। अब दोनों को मिक्स करेंगे। अभी तक कलर चेंज नहीं हुआ इसका। इसका कलर चेंज नहीं होता है, ये वैसे ही था ऑरेंज, और अभी भी ऑरेंज ही है। भाई इससे अच्छा इसको पी लेते हैं। तो ये मिथ बस्टेड होता है। यस, हम लोग अपने हाथों पर आग लगा सकते हैं, वो भी ये वाला एक्सपेरिमेंट करने के बाद। पर क्या सच में हमारे हाथ पर आग लग सकती है और उससे हमें थोड़ा भी डैमेज नहीं होगा? तो चलो ट्राई करके देखते हैं ये मिथ को, क्या सच में ये काम करता है। तो अभी हम लोग बनाने वाले हैं फायर हैंड्स, जो कि हमारे शॉर्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। और ये आग हम लोग रूम में जला रहे हैं भाई। बिल्कुल। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए एक बाउल, उसमें थोड़ा सा पानी, और इसके अंदर डालेंगे हम लोग 1 रुपए की सनसिल्क शैम्पू, जो आलोक लगाता है। या, बिल्कुल मैं ही लगाता हूँ। सस्ती लौड़ की एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है ये। वीडियो को लाइक कर दो। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो अभी शैम्पू को डालते पानी के अंदर। बहुत ही गाढ़ा शैम्पू है ये, एंड मिक्स करते हैं। आग बन गया गाइस। और सबसे मेन चीज के अंदर डालनी हमें परफ्यूम। बस भाई वो कितना ओवरलोड है, मेरे को लगता है आज ये पूरी परफ्यूम खत्म कर देगा। और उसके बाद हम लोग ये जो बबल्स है इसको हाथ में लेने कुछ इस तरीके से, और अगर इसका हाथ जल गया तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ हाँ हाँ, नाइस 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 वीक। 3, 2, 1। ये फर्स्ट टाइम। जला जला लगा नहीं, कैमरा से दूर जा रहा है। तू कर। मेरी को अभी फट गई है गाइस, मैं सच्ची बताऊं मेरी फट चुकी है जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा, और कितनी ज्यादा आग थी उसके अंदर। अभी तुम्हारा भाई बनेगा फायरमैन। So I'm back, इस बार मैं भी ट्राई करने वाला हूँ। बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, तुम लोग अपने घर पे ट्राई मत करना। मैंने ट्राई किया तो लाइक कर दो, मैं एक और बार ट्राई करूंगा। तेरी अंदर से फट गई है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, तो मजा आया भाई। ये मिथ कंफर्म होता है, बहुत ही ज्यादा कूल मिथ था यार। हेयर स्ट्रेटनर, जिसकी मदद से हमारे बाल स्ट्रेट होते हैं, पर इसकी मदद से पॉपकॉर्न भी पक सकता है, मतलब कल को तो इससे भाजी भी बनेगी। चलो इस मिथ को हम भी ट्राई करके देखते हैं, क्या ये हेयर स्ट्रेटनर से पॉपकॉर्न सच में बनेगा। तो ये है इंस्टेंट पॉपकॉर्न का पैकेट, और ये है हेयर स्ट्रेटनर। अभी हमें इस पॉपकॉर्न को इसके अंदर डालना है और देखना ये पकता है कि नहीं। इसके लिए हम लोग ने पॉपकॉर्न को एक बॉल में डाल दिया है। वाह, मुर्गियों के अंडे की तरह लग रहे हैं। कोई सेंसेस बात की। तो अभी हम लोग ने इसको चालू कर दिया है। हाँ, ये चालू हो चुका है। डालते हैं अभी इसके अंदर पॉपकॉर्न को, या देखते ये कितने टाइम में पकता है। One hour later. Okay, आधा घंटा तो हो चुका है पर ये अभी तक पका नहीं है। थोड़ा टाइम और रुक के देखते हैं, शायद पक जाए। 2 hours later. And यहाँ पे थोड़े टाइम बाद यहाँ पे पॉपकॉर्न बन चुके हैं यार। एंड इस पॉपकॉर्न को हम लोग
खा सकते हैं। अभी इसमें से तो बाल निकला। चिंगम, ये तुमको भी पसंद रहेगा, मेरे को भी बहुत पसंद है, पर अगर ये बाल पे चिपक जाए तो वाट लग जाती है, हमें अपने बाल काटने पड़ते हैं। पर अभी टेंशन की बात बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मिथ की वजह से हमारे बाल काटने नहीं पड़ेंगे। अगर च्युइंगम हमारे बाल पे चिपक जाए तो उसपे बर्फ लगा के च्युइंगम निकल जाता है। तो आ जाओ ट्राई करते हैं इस मिथ को। तो इस चीज को ट्राई करने के लिए हम लोग आ चुके हैं रियल लाइफ में। मेरे पास है एक पूरा अखा हैप्पीडेंट का बक्सा जिसके अंदर 8 से 9 हैप्पीडेंट है। भाई 10 है। अच्छा, मैं अभिषेक का बहुत ही ज्यादा एहसान मंद हूँ कि ये मेरे वीडियो के लिए, इस मिथ के लिए अपने बालों को कुर्बान कर रहा है। मेरे बालों को? ये कौन बोला कि मैं मेरे बालों को कुर्बान कर रहा हूँ? भाई इतनी भी अच्छी दिन नहीं है। चैनल किसका है? इसका है। तेरे बालों में लगाना है मैंने ये। हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, एक मिथ कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल क्यों करते हैं भाई? ये नहीं होता, ये नहीं होता। श्रीर ग्रोवर बोल रहा हूँ मैं। बॉस ये सब दोगलापन है, नाक बंद है। ये कर लो पहले। तो आ जाओ, पूरे हैप्पीडेंट को मुंह में डालूंगा। एक तो रहने देता। अच्छा, ये मिथ को चेक करने के लिए और मेरे बालों को बचाने के लिए यहाँ पे है पूरे आइस के क्यूब, और देखना ये कि ये सच में वर्क करता है तो ही मेरे बाल बच पाएंगे। देखो हम बहुत हाइजीनिक बच्चे हैं, हमें बहुत हाइजीन का केयर होता है, तो हाइजीन को साइड में रखते हुए च्युइंग गम को लेते हैं। नहीं नहीं, हाइजीन में मुंह से निकालना। ओके। अरे नहीं 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 नहीं, एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैं बस कुछ अटक रहा है। भाई ये मेरे सेंटर के बाल थे, स्क्रिप्ट बोली थी ना भाई, थोड़ी सी लगाना यार। भाई मम्मी मुझे मार देगी भाई, घर पे चले गया तो भाई मुझे टकला होना पड़ेगा भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो तुम लोग। अब ये मेरे पास है बर्फ। तूने कहीं सुना है कि दुश्मन अपने दोस्त को कभी हेल्प करता है? ये भाई हम मिथ कर रहे हैं भाई। नहीं नहीं, मैं तेरा दुश्मन हूँ। तूने याद है मेरे साथ कितना जल्लाद बना किया है? इसने मुझे लड़की बनाया, इसने मुझे समोसे में पानी पूरी डाला, पानी पूरी में समोसे डाला, मतलब जल्लाद बना किया यार। एक दोस्त के साथ कोई सब करता है, इसीलिए ये जो बर्फ है मैं तेरे पे नहीं डालूंगा। मिथ गया भाड़ में, वीडियो गया भाड़ में, तो यहाँ पे बैठे मैं चला गया। अरे भाई सॉरी भाई, आ जाओ सर को फोड़ते। अरे मेरा कहने का मतलब है कि इसके सर को सही कर। तो हमको लेना कुछ ये बर्फ को है। अच्छे से रगड़, अच्छे से रगड़। हाँ भाई पूरा गोला, अभिषेक गाइस जिसको भी गोला खा रहा है, अच्छा यहाँ से मैं बर्फ घिसूंगा और गोला खा लेना। यार ये क्या वही बंदा पार है। बस यार मैं 10 मिनट से घस रहा हूँ, देखो और नहीं घस रहा। क्या ये च्युइंगम निकला मेरे बालों से? ओ भाई तुम लोग देखो, ये च्युइंगम मेरे से ऐसे चिपक गया है जैसे कि बिजली की तार भाई करंट से चिपक जाती है। मतलब कि अभी मुझे मेरे बाल काटने पड़ेंगे। भाई ये मिथ बस्टेड होता है भाई, मेरे बाल की हालत देखो ये क्या हो चुकी है, च्युइंगम भाई क्या बुरी तरीके से लग चुका है। So it's time for Dr. Abhishek to come and cut this hair. भाई साहब, ओ भाई गंजा कर दिया। भाई इतने सारे बाल। भाई ये मिथ वाले बहुत गंदे होते हैं भाई, तुम लोग को लिटरली में नहीं, तुम लोग को दिखाई दे रहा रहेगा, ये लिटरली में बहुत ज्यादा बाल है। मिथ बस्टेड होता है भाई, घर पे कभी ट्राई मत करना प्लीज। वाटरमेलन के अंदर अगर हम लोग ब्लू कलर का ड्रिंक डालते हैं तो वाटरमेलन अंदर से ब्लू हो जाता है। भाई ये तो नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं इन लोग। तो चलो इस मिथ को भी ट्राई करके देखते हैं, सच में वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास है वाटरमेलन, इसका कलर चेंज करने वाले हम लोग। मेरे को पता नहीं होता है कि नहीं, पर ट्राई करेंगे। और यहाँ पे दूसरी तरफ से हमारे पास ब्लू कलर का ड्रिंक जो कि मिनट मेड का है, और ये ड्रिंक को हम लोग इस वाटरमेलन के अंदर डालने वाले 24 घंटों के लिए, एंड इसका कलर चेंज हो जाएगा। एंड इसके अंदर अभी हम लोग को छेद करना पड़ेगा। टेन टेन एंड
वैसे तरबूज मीठा है तो अभी इस तरबूज में छेद हो चुका है। अब डालने वाले इस ड्रिंक को, लेट्स गो। हेलो हाउ आर यू, आई एम अंडर द वाटर। या एंड ये वो चीज पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है एंड तुम लोग देख सकते हो इसके अंदर जो नीला नीला ड्रिंक है वो इसके अंदर धीरे धीरे जाते जा रहा है एंड इसे हम लोग को 24 घंटे तक रखना है और उसके बाद देखना है कि इसका कलर चेंज होता है कि नहीं। और अभी 24 घंटे पूरे हो चुके हैं और देखते ही है कि इसका कलर चेंज हुआ कि नहीं। भाई इसको तो कुछ भी नहीं हुआ एंड इसका कलर जैसा था वैसा ही है, बिल्कुल भी ब्लू कलर नहीं हुआ यार। तो ये मिथ बस्ट। ये है ट्रांसपेरेंट अंडा, मैंने इसको कभी रियल लाइफ में नहीं देखा, तुम लोग ने भी नहीं देखा रहेगा। ये सिर्फ बना हुआ है विनेगर की मदद से, अगर अंडे को विनेगर में डालते हैं तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो चलो ये मिथ को ट्राई करके देखते हैं। तो ये चीज करने के लिए मैं लेके आ चुका हूँ विनेगर। तो ये रहा एक अंडा और ये अंडा सुबह सुबह आलू टिक्की गरम गरम करके दिए। भाई जोक मारी इसने। तो अभी इस अंडे का हम लोग बॉल बनाने वाले हैं और देख रहे हैं ये अंडा ट्रांसपेरेंट होता है या नहीं होता है। तो इस बाउल के अंदर हमें डालने वाले विनेगर को। भाई ये तेल लग रहा है, रजनीगंधा तेल। एंड ये पूरी बॉटल खत्म कर दिया हमने विनेगर की। अभी इसके अंदर डालेंगे एग को और यहाँ पे अंडे को डाल देते हैं। तो ये अंडे को अभी हम लोग को 24 घंटा इस विनेगर के अंदर रहने देना है। 2000 years later. So यहाँ पे 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, अभी देखते हैं अंडा हमारा ट्रांसपेरेंट हुआ कि नहीं। ये रहा हमारा वो अंडा जो कि विनेगर में डूबा हुआ है और इस एग के आजू बाजू देखो फॉग जमा हो चुके हैं भाई, वेव्स। एंड देखते हैं ट्रांसपेरेंट हुआ कि नहीं नीचे से। ही ये दब रहा है, फूट गया। ये थोड़ा सा नरम तो हुआ था पर ये ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ था, तो ये मिथ बस्टेड है। ये है इतना बड़ा वाटरमेलन पर इसके ऊपर अगर 1000 रबर बैंड्स लगा देंगे तो ये वाटरमेलन ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यूट्यूबर्स बोल रहे हैं। तो चलो हम भी ये मिथ को ट्राई करके देखते हैं, ये मिथ रियल है या फेक है। ओके, ये है हमारा दूसरा तरबूज और ये है रबर बैंड्स। एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, हजारों रबर बैंड्स है। अभी देखना ये है कि ये रबर बैंड्स तरबूज पे लगाने के बाद तरबूज ब्लास्ट होता है कि नहीं। ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग वाला चीज है, इसको करते मेरे को लगता है 2-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो निकालते हैं रबर बैंड्स को। ये कितने सारे रबर बैंड्स है, मेरे को लगता है इतने रबर बैंड्स काफी रहेंगे इस तरबूज को ब्लास्ट करने में। तो काम शुरू करते हैं अभी से ही। हम लोग और रबर बैंड्स लगा ही रहे थे पर ये कैमरे के पीछे ये रबर बैंड अपने आप फट गया है एंड ये रबर बैंड की कुछ हालत ऐसी हो चुकी है। सो ये मिथ कंफर्म होता है और ये सही में टूट गया है यार। तो यहाँ पे इसने एक बल्ब ले लिया है और एक वुडन प्लैंक ले लिया है, उसके ऊपर इसने दो आलू को चिपका दिया है भाई। ओके, एंड इसके अंदर इतने डाल दिए खीले। ओके, हम भी ऐसे ही करने वाले। तो इसने बल्ब ले लिया है, बल्ब को लगा दिया है, कुछ इस तरीके से फिक्स कर दिया है एंड उसको वायर से ज्वाइन कर दे रहा है ये बंदा। इतना सिंपल, मतलब तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे लाइट जल चुकी है, मतलब ये चीज अगर हम भी करेंगे तो भी ये काम करेगा। तो चलो करके देखते हैं। सो इस चीज के लिए हम लोग को चाहिए दो आलू, एक वायर, एक होल्डर और थोड़े बहुत कीले और यहाँ पे बल्ब। अब जैसे जैसे उस वीडियो में चीजें की गई थी सेम टू सेम चीजें हम लोग करने वाले और देखने वाले क्या बिजली निकलती है आलू से। नहीं निकलेगी, मेरे को पता है, सब हेड़ा बनाते हैं। तो ये बल्ब को हम लोग होल्डर से कनेक्ट कर देंगे एंड इन वायर को हम लोग ने होल्डर के साथ फिट कर दिया है और यहाँ पे वायर में कनेक्टेड है कीले जिसको हम लोग इन आलू के अंदर डालने वाले हैं एंड रिएक्शन क्या होता है वो भी चेक करने वाले हैं। तो चलो डालते हैं। तो यहाँ पे एक आलू के अंदर कीले एंड अभी दूसरे आलू के अंदर डालने की बारी है। क्या ये लाइट जलेगा? नहीं पता नहीं, मेरे को, मैं भी देखना चाहता हूँ। एंड ये लाइट नहीं जला भाई, चूना लगा दिया, लाइट तो जला ही नहीं। ये लाइट में खराबी है, तुम लोग देख सकते हो ये सर्किट एक दूसरे से बरोबर है पर यहाँ पे लाइट नहीं जली है, मतलब ये मिथ बस्टेड होता है। हम लोग को येड़ा बना दिया। एलिफेंट टूथपेस्ट, इससे इतना सारा झाग निकलता है तुम लोग देख सकते हो, वो भी सिर्फ ये दो केमिकल मिलाने के बाद। मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैं इसको रियली में ट्राई करने वाला हूँ और देखते हैं ये सच में काम करता है। लेट्स गो। सो इस चीज को बनाने के लिए हम लोग को बहुत सारे केमिकल चाहिए रहेंगे। तो पहला केमिकल है हाइड्रोजन परऑक्साइड और दूसरी चीज है बर्तन धोने वाला विम, हाँ इससे ही तो फॉग बनेगा, और तीसरी चीज पोटेशियम परमैंगनेट और सबसे ज्यादा जरूरी है सेफ्टी।
सेफ्टी हमेशा रहनी चाहिए। सो अभी बनाते हम लोग एलिफेंट टूथपेस्ट। एक छोटी सी बोतल लेंगे और उसके अंदर डालेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड, थोड़ा सा विम जेल एंड लास्ट चीज पोटेशियम परमैंगनेट। अगर ये चीज सक्सेसफुल होती है तो मैं एक बहुत बड़ा एलिफेंट टूथपेस्ट बनाऊंगा। तो देखते ही सक्सेसफुल होता है कि नहीं। मैं थोड़ा सा साइड ही हटता हूं। हमें ये तो कुछ गलत ही सीन दिख रहा है। ये कैसा दिख रहा है तुम लोग कमेंट में बता दो यार। तुम लोग को भी वही दिख रहा है जो मेरे को दिख रहा है। असली है ये लोंडा। पर ये बहुत ही ज्यादा चिंदी और छोटू सा है, तुम लोग देख सकते हो यार। चलते इस एक्सपेरिमेंट को बड़ा बनाने के लिए।